सही तरीके से कटोरी के पार्ट को कैसे बड़ा करना है वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो कटोरी है कटोरी के मिडिल में मैंने काट कर लिया है क्योंकि ये डबल कटोरी है, और फर्स्ट कटोरी को मैंने पेपर के ऊपर रखा है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूंगी और नीचे की साइड से मैंने एक इंच बड़ा करूँगी। और आप लोग चाहे तो डायरेक्ट फैब्रिक में भी इस तरह से बड़ा कर सकती है, लेकिन आप लोगों को मैं पेपर में दिखा रही हूँ। तो ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और उसका शेप दे दूंगी, और जिस साइड से मैंने एक इंच बड़ा किया है आप लोग चाहे तो उसी साइड से डेढ़ इंच भी बड़ा कर सकते हैं आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो। और नीचे की साइड में मैंने एक इंच बड़ा किया है और साइड से मैंने और हाफ इंच बड़ा किया है। अभी उसका जो शेप है शेप दे दूंगी। तो मेरा जो फर्स्ट कटोरी है मार्किंग करना कंप्लीट हो गए हैं, अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकेंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी को इस तरह से मेजरमेंट लेना है, तो आया है 9 इंच। और सेकेंड कटोरी का जो लंबाई है वो ले लूँगी 9 इंच, तो मैंने 9 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और जो सेकेंड कटोरी का मैंने कटिंग करके रखा था उसका चौड़ाई था 3.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1 इंच, तो हो गया था 4.5 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया चौड़ाई में। और नीचे की साइड में मैंने एक इंच लिया है और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो साइड है वो होगा बेल्ट का साइड। और ऊपर की साइड में मैंने जो फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखा है और चारों ओर मैंने इस तरह से शेप दे दिया है फर्स्ट कटोरी को। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटोरी का बड़ा करना, वैसे बड़ा करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी का पार्ट है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और पहनने के बाद भी कोई बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, छोटा बड़ा हो जाती है, टाइट हो जाती है, सही तरीके से नहीं होती है। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा।